जेई एडवांस का एक क्वेश्चन लेते हैं, जेई 2023 का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन नंबर वन है जो कि काइनामेटिक्स से है। क्वेश्चन में कहा गया है अ स्लाइड विद अ फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस, ये एक स्लाइड है जो कि फ्रिक्शनलेस कर्व सरफेस है, विच बिकम्स अ हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड एंड इज फिक्स्ड ऑन द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 3h। मतलब ये जो टेरेस है इसकी हाइट हमें 3h दी हुई है, और यहाँ पर जो ये हमारा वेज है, जो स्लाइडर है, उसकी हाइट हमारे को h दी हुई है। और कहा गया है स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m, एक स्फेरिकल बॉल जिसका मास m है, ये रही हमारी बॉल, इस बॉल का मास जो है m है, और ये नीचे आ रही है, इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट द हाइट h, और h हाइट से इसको रिलीज किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है बच्चों वो जीरो है। और क्या दिया हुआ है, इज रिलीज फ्रॉम द हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेरेस, द बॉल लीव्स द स्लाइड विद द वेलोसिटी ऑफ, भाई जैसे इसको यहां छोड़ा तो यहां पर कुछ वेलोसिटी आ गई, u इज इक्वल्स टू u नॉट x, एंड फॉल द ग्राउंड एट द डिस्टेंस d। तो और ये जो बच्चों ये यहां से d डिस्टेंस दूर चली गई है, ठीक है, यहां से ऐसे बॉल आ रही है, ऐसे आई और ऐसे जंप करके d डिस्टेंस कवर किया और फिर ऐसे मूव कर रही है, इट बाउंस ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ v, यहां पर इसको v वेलोसिटी मिली है इस डायरेक्शन में, एंड रीच द हाइट h1, और जब इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली तो इसने कितनी हाइट गेन कर ली, h1 हाइट गेन की है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, जो कि हमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड कंसीडर करनी है, डायग्राम में मेंशन है कि ये g नीचे की तरफ लग रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड, यहां इस पॉइंट पे जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू है, e का वैल्यू, वो आपको 1/√3 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आई होप आपको एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, ये स्लाइडर है, इसके ऊपर आपने एक बॉल को रखा, वो नीचे स्लाइड करके आया, x डायरेक्शन में उसकी u नॉट x वेलोसिटी है, u नॉट x यूनिट वेक्टर, और जो नीचे है वो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ऐसे चला गया, जितनी हाइट उसने अचीव करी वो h1 हाइट है। अब क्वेश्चन में कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो बच्चों ये कौन सा केस है, फ्री फॉल का केस है। तो फ्री फॉल के केस में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होती है, कुछ फॉर्मूले में यहाँ पे आपको पहले ही लिख देता हूँ कि वेलोसिटी जब हम फ्री फॉल करते हैं तो √2gh होती है, टाइम t इक्वल टू 2h/g होता है। हम इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे बच्चों और सारे आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होगी, कितनी हाइट से ये नीचे आ रहा है, h हाइट से नीचे आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं ये वेलोसिटी होगी √2gh इन x डायरेक्शन। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आप में से कईयों को लगेगा कि ये चीज डायरेक्टली कैसे बता दी। देखो बच्चों होता क्या है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है ना, अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटी को छोड़ करके, ठीक है, मतलब किसी तरीके से आपने उसे एक्सेलरेट नहीं किया, वो अंडर ग्रेविटी ही इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि उसको नीचे जाने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो सब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो उसने उस हाइट पे गेन की थी, तो इस हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, नीचे आएगा तो mv स्क्वायर, तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑब्टेंड होगी वो होगी √2gh। इसलिए आप किसी भी केस में चाहे ऑब्जेक्ट सीधा गिरे ऐसे, या ऑब्जेक्ट ऐसे गिरे, या ऑब्जेक्ट ऐसे गिरे, ठीक है, या फिर उसको ऊपर भेज रहे हो, तो ऐसे किसी भी केस में जिसमें भी फ्री फॉल का केस होता है आप वेलोसिटी का वैल्यू ये वाला कंसिडर कर सकते हैं। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को और समझते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी है वी वेलोसिटी, दिस वी वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू √2gh एक्स कैप माइनस √2gh जे कैप। बच्चों इन्होंने खुद ही एक्सिस डिफाइन किया हुआ, इन्होंने कहा कि भाई अगर हम ऊपर जाने को जेड माने और हॉरिजॉन्टल जाने को एक्स, तो बताइए कि वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा। इस वी वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो देखो बच्चों वी वेक्टर की वैल्यू इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये बनेगी वी एक्स आई कैप, या फिर एक्स कैप लिख सकते हो, और इस डायरेक्शन में बनेगी वी जेड जेड कैप। ऐसा मतलब अगर मैं वेक्टर लिखूं
तो हो जाएगा वी एक्स एक्स कैप प्लस वी जेड क्लियर है यहां तक। पहले वाले का मैग्नीट्यूड जो है जब ये इधर से फॉल करेगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस। इट मींस कि जो यहां पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी वो सेम होगी अंडर रूट टू जी एच, जो इसने इनिशियल वेलोसिटी गेन की थी वही वेलोसिटी इसकी अभी भी उस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, तो ये सीधा ही जाना चाहता है। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो हमने यहां पर इसको एज इट इज लिख लिया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है। तो इस डायरेक्शन में देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये भी फ्री फॉल का ही केस है, तो यहां से यहां तक आने में जो उसने वेलोसिटी अचीव करी होगी वो कितनी होगी, ये हाइट है हमारे पास, तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अंडर रूट टू जी एच इन टू थ्री एच, तो वैल्यू हो गया हमारा अंडर रूट सिक्स जी एच। यहां तक बात क्लियर हुई? बट इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं कि कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी है, क्योंकि ये जो कह रहा है कि भाई बाउंस बैक हुई है, तो जो इनिशियल है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट फाइनल वेलोसिटी में चेंज आया है, क्योंकि जितनी से वो नीचे आ रहा था अब उतनी से ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसीलिए वो 3h से नीचे आया, बट कुछ एनर्जी लॉस हो जाने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है कितना 1/√3, तो इतने टाइम्स एनर्जी लॉस हो जाने की वजह से उसकी हाइट केवल इतनी ही अचीव हो पाई। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसका वेलोसिटी है वी टू वी जेड, जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 6gh इंटू 1/√3, कि इतने टाइम्स उसकी वेलोसिटी कम हो गई। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो रूट का 3 अंदर गया तो ये बच गया अंडर रूट 2gh, तो यहां पर भी वैल्यू आ गई 2gh zx। अंडर रूट 2gh को कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया हमारा x प्लस जेड एक्स, ठीक है, x कैप प्लस जे कैप जेड कैप सॉरी। ये वैल्यू जो हमारी आई है, ये वैल्यू में माइनस गिवन है और इसमें हमारा प्लस में आंसर आ रहा है, इट मींस कि ये वाला ऑप्शन गलत है। अब हम बाकी के दो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टू ऑप्शंस देखिए, पूछ रहे कि एंगल, ये जो थीटा एंगल है ये कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सेकेंड पूरा सेलेक्ट हो गया, इसको हम यहां से सेलेक्ट करना शुरू करते हैं और ऐसे छोटा कर लेते हैं और यहां पर रख देते हैं। ये हमारे दो ऑप्शंस हो गए। अब हम अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं, तो अब देखते हैं। देखो बच्चों, ये थीटा है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये जो वैल्यू है ये रूट सिक्स जी एच है और ये वैल्यू रूट टू जी एच है, तो क्या ये गलत होगा? क्योंकि जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट है इन एक्स डायरेक्शन वो अंडर रूट टू जी एच है, और जो मेरा इधर का वैल्यू है जब ये फॉल कर रहा होगा तो फॉल करेगा तो यहां से यहां तक का वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो ये मेरे कितनी होगी अंडर रूट सिक्स जी एच। भाई लास्ट वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं, कईयों को लग रहा होगा कि ये वाली क्यों नहीं ले ली रूट, यहां पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, यहां पे इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहां से एंगल ही निकाल रहे एंगल यहां से यहां का, तो यहां की वेलोसिटी थी रूट सिक्स जी एच। चलिए तो अब लगाते हैं टेन थीटा रूट सिक्स जी एच और ये टू जी एच, जी एस से जी एच कैंसिल, टू से थ्री सिक्स कैंसिल और ये रूट थ्री, इट मीन्स 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने दो ऑप्शंस निकाल लिए अभी तक करेक्ट और एक इनकरेक्ट बता दिया है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, अगर ये भी करेक्ट हो जाता है या फिर इनकरेक्ट हो जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं इस रीजन को और ये वाले ऑप्शन को,
यहां सेट कर देते हैं और नेक्स्ट निकालते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि डी बाय एच वन का वैल्यू क्या होगा। तो यहां से हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि जो डी का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है कि डी कितना है। तो डी एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक्स एक्सिस का वेलोसिटी जो था हमारा, ठीक है, इनटू में टाइम। तो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कितना है, अंडर रूट टू जी एच, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों उसको यहां तक पहुंचने में, तो यहां तक पहुंचने में वही टाइम लगेगा जो इसकी हाइट है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, जितना नीचे आने में लगेगा उतना ही तो यहां पर यहां पहुंचने में लगेगा यहां से, क्योंकि एक्स एक्सिस में जितनी देर में वो यहां पहुंचेगा वाई एक्सिस में यहां पहुंच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं 3, क्योंकि ये कितना चल रहा है 3h चल रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6h बाय जी। अब यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एच का स्क्वायर एच रह जाएगा और ये 12, तो 12h स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 12h। अभी सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों, अभी सिर्फ यहां तक वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्या पता कुछ कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद h1 चाहिए मुझे, h1, तो h1 कैसे निकलेगा, कितनी वेलोसिटी रिमेनिंग थी भाई, z एक्सिस में जो रिमेनिंग वेलोसिटी है वो अंडर रूट 2g h, क्लियर बच्चों। और ये किसके बराबर होगी, जो ये वेलोसिटी उसने अचीव करी है, ठीक है, अगर मैं इस वेलोसिटी का यूज करूं और ये कह दूं कि कोई भी वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट जी एच वन होती है, ठीक है, क्यों, ये कैसे आया, देखो ये उसकी वेलोसिटी है। अभी के लिए आप ना इसको ऐसा समझिए, कहीं हो क्या पता कंफ्यूजन हो गया हो, कि अगर मुझे यहां से यहां तक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि भाई ऊपर जाने में कितनी वेलोसिटी होगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच वन, लिख सकता हूं ना भाई, अगर इसकी हाइट रेज करने पे इतनी वेलोसिटी अचीव करे, क्योंकि फ्री फॉल के केस में मैंने आपको बताया नीचे आए ऊपर जाए हर जगह अंडर रूट टू जी एच, तो यहां पे कितनी हाइट गेन करी है एच वन, तो अंडर रूट टू जी एच वन वेलोसिटी v। अब ये v वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी जो फाइनली उसने अचीव करी थी इन z एक्सिस, तो वो क्या है अंडर रूट टू जी एच, और ये हो गया अंडर रूट टू जी एच वन, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, एच इज इक्वल टू एच वन आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर अब मैं रेशियो लूं d बाय एच वन का, तो रेशियो हो जाएगा रूट 12 एच बाय एच, एस एच कैंसिल, रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूं 2√3, क्या मेरे ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये वाला ऑप्शन करें। तो बच्चों आपने देखा किस कैसे कि हम बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट का यूज करके काइनेमेटिक्स के जे एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगा बच्चों, आई होप आपको काफी मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में, थैंक यू। और जाते जाते वी स्क्वायर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो टीचर्स मोटिवेट नहीं हो पाते, कि उन्हें लगता है कि यार जो कंटेंट बना रहे हैं वो शायद यूजफुल नहीं है बच्चों के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।